जिज्जी हाँ बाबा अभी गए भी ना कि जे अभी से उनकी प्रतीक्षा करने लगो है, देख रही हो जिज्जी। हमें लगो कि नीलमणि हमारी प्रतीक्षा कर रहे है, तो देखो नीलमणि हम आ गए। आ गए तुम सब, पालना उत्सव की कछु पड़ी भी है कि ना? आप कहो तो आप क्या ही बस जाइए यशोदा भाभी, फिर तो कभी देर ना होगी। ना ना ऐसी भूल मत करना। अच्छा जो तनिक समय मुझे मेरे लल्ला के साथ मिलतो है वो भी छीन लो सब मुझसे। जिज्जी आप चिंता मत कीजिए, ना हमारी और ना ही पालना उत्सव की तैयारी की, रोहिणी जिज्जी ने कल ही सब कुछ समझा दियो था। क्यों रोहिणी जिज्जी? तो बस चलो संभाल लो सब कुछ। हाँ तुम सब जाओ और अब मैं अपने लल्ला को संभालूंगी। बहुत अच्छे से तैयार करूंगी तुझे। हाँ अभी आई तेरी मैया, अभी आई। मुझे भी एक विशेष तैयारी करनी है आज। विचित्र सा आकर्षण है बरसाना में, यहीं से प्रारंभ करती हूँ आज का तांडव। ना ना बरसाना नहीं, कोई और स्थान भी नहीं, आज तो पूतना को यहीं आना होगा मेरे पास। बड़ा गांव है, इतने सारे व्यक्ति हैं, अनेक बालक मिलेंगे यहाँ। किंतु मैं तो नहीं मिलूंगा ना। अरे मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ और वो वहाँ जा रही है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आ कहो तेरी मैया, आ कहो तेरी मैया। ऐसा रूप निखरेगा मेरे लल्ला का, सब देखते रह जाएंगे। हाँ मुझे तो इस बात की चिंता है मैया कि जिस रूप में मैं पूतना का सामना करूँगा, आपने मुझे उस रूप में देख लिया तो आपकी ममता से वंचित नहीं होना चाहता हूँ मैं, किंतु पूतना को अब और अधिक आतंक भी फैलाने नहीं दे सकता। खुदकुदी हो रहा है? मधुर किलकारी की प्रकृति भी खिल उठी, कहीं ये ध्वनि विष्णु की तो नहीं? यही तो चाहता था मैं कि तुम यहाँ आओ, बस मेरे पालना उत्सव में विघ्न मत डालना पूतना, मैया बहुत उत्साहित है आज। शीघ्र करो, हाँ उसे वहाँ लगाओ और वो वहाँ, तैयारी में कोई कमी न रहे। अरे इसे थोड़ा नीचे लगाना ना। देख रहे लल्ला, मैं यहाँ तुझे तैयार कर रही हूँ और बाहर तेरे लिए तैयारी चल रही है, बहुत मगन होके मनाएंगे तेरा पालना उत्सव। इससे पूर्व कि जे सब अपना कार्य समाप्त करके मेरे सर पे नाचे, मुझे तेरा साज सिंगार पूरा करना है। पोशाक तो पहना दिए नहीं, अब ऐसा मुकुट पहनाऊंगी कि सबकी आंखें चौंधी आ जाएंगी तेरा रूप देख के। हाँ मेरा लल्ला। हाँ
यहाँ तो कोई शिशु दिखाई नहीं दे रहा। एक एक घर का विध्वंस क्यों ना करना पड़े। मैं अपने आहार को ढूंढ के रहूंगी। आज विध्वंस नहीं होगा पूतना। मैया ने अभी अभी क्या कहा, लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया। बता लल्ला, अच्छा लगो? हाँ कि ना? पता? ओहो, हाँ। बिल्कुल सही आभास हुआ था मुझे, ये विष्णु ही है। पर मेरा लल्ला तो पूरा सच गो है। मुख पे ऐसा तेज है कि इसके आगे किसी को कछु और दिखाई ना देगो। मुख पे ऐसा तेज है कि इसके आगे किसी को कछु और दिखाई ना देगो। अभी आई। ऐसे चौंक क्यों गई पूतना? मैं ही हूँ जिसे तुम कब से ढूंढ रही थी। तो तू है विष्णु अवतार, स्वयं को कंस का काल समझता है। आज मैं बनूंगी तेरा काल, मूर्ख शिशु। इतनी सारी मिठाइयां, कर देने में अधिक समय लगा तो हमारा मुख मीठा करके कृपा पाना चाहते हो नंदराज? मैं तो छोटे से गांव का सीधा साधा ग्वाला हूं महाराज, राजधानी की राजनीति के दाव पेच मैं ना समझता। बस अपनी प्रसन्नता आपके साथ साझा करूं, मुझे पुत्र हुआ जी, वो भी इतने बरसों के बाद, इसीलिए कर्मकांड में व्यस्त हो गया। कब हुआ तुम्हारे पुत्र का जन्म, कितने समय पहले? बस 7 दिन का हो गया महाराज हमारा लल्ला। उतना के लिए एक और नवजात शिशु, तुम्हारी प्रसन्नता पर तो आकाश टूट पड़ेगा जब तुम्हारा पुत्र स्वर्ग सिधारेगा। वाह, फिर तो मिठाई खाना आवश्यक है। बधाई हो नंदराज, बधाई हो। महाराज आज लल्ला का पालना उत्सव मनाया जा रहा है। अरे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ जाओ, अपने पुत्र के उत्सव का आनंद लो। वो क्या है ना नंदराज, जब भाग्य शुभ सूचना दे उसको खोना नहीं चाहिए। मुट्ठी में दबोच लेना चाहिए। जाओ जाओ जी महाराज।
समय से पहले ही कार्य हो गए। बस अब वसुदेव भैया से मिलके शीघ्र ही घर लौट चलूंगा। अत्यधिक स्वादिष्ट, यही कहेगी पूतना भी जब वो तुम्हारे शिशु को। अरे शीघ्र चलो, पालना उत्सव आरंभ ना हो जाए, नहीं तो नीलमणि को झुलाने का अवसर ना मिलेगा। तो उसका पालना उत्सव है आज। अब देख चलिए विष्णु, तेरी मैया के साथ कैसा छल करती हूँ मैं। चलो चलो। मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके बहुत बड़ी भूल कर दी है तूने। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु मैं तेरा अस्तित्व नष्ट कर दूंगी। हो गो मेरा लल्ला तैयार, हो गो मेरा लल्ला तैयार। अश्लेषा नक्षत्र है पूतना, मृत्यु योग है। यदि अभी तुमने गोकुल की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस किया तो परिणाम की उत्तरदायी तुम स्वयं होगी। सत्य कहा तूने, मृत्यु योग ही है आज तेरा। देख, तेरी मृत्यु गोकुल में प्रवेश कर रही है, रोक सकता है तो रोक के दिखा। काले विपरीत बुद्धि। एक बार पुत्र गोकुल में प्रवेश कर गए तो वहां विनाश का तांडव होगा, मृत्यु नाचेगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ कीजिए स्वामी, संदेशा भिजवाइए अपने भाई को। देवकी, महल के कोने कोने पर कंस के गुप्तचरों की दृष्टि है। इस कक्ष से निकला कोई भी संदेश कहीं और पहुंचने से पहले उसके कानों में पहुंचेगा। पर हमारा पुत्र देवकी, आप यहां सब ठीक तो है? आप दोनों इतने भयभीत क्यों? मैं तो मासिक कर देने आया हूं, पता चलो कि बिटिया हुई है और कंस ने आप दोनों को कारागार से मुक्त कर दियो, तो मिलने और बधाई देने चले आए हो। और सच बात तो ये है कि मैं भी एक शुभ समाचार सुनाने आया हूं। नारायण की कृपा से यशोदा की गोद भर गई, लल्ला हुआ है हमारे यहाँ। क्या हुआ भैया? भाभी, आप दोनों प्रसन्न ना है? नहीं, बहुत प्रसन्न है हम। आपको बहुत बहुत बधाई। पुत्र को हृदय से लगाने का सुख नहीं ले सकता, किंतु जिस छाती ने उसे अपने से लगाया है, जिन बाहों ने उसे अपनी गोद में उठाया है,
उनका स्पर्श तो कर ही सकता हूं। भैया पुत्र स्वस्थ तो है ना, वो दूध ठीक से पीता है ना, और भाभी जी उसे डकार दिलवाती है ना, नींद ठीक से होती है उसकी, भोजन विश्राम सब आवश्यकता के अनुसार कर रहा है ना, और भाभी जी से कहिएगा कि उसे केवल कोमल वस्त्र ही पहनाए और उसके सोने का गद्दा भी कोमल होना चाहिए। देवकी को रोकना होगा, अन्यथा अभी सारा भेद खुल जाएगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, उसके नहाने का जल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और देवकी सांस तो ले लो। इतने सारे निर्देश, इतने सारे प्रश्न। भाभी आप चिंता मत करो, हम हमारे लल्ला का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे। यशोदा तो ममता में बावरी हो गई, क्षण भर के लिए भी नीलमणि को स्वयं से दूर ना करती, हृदय से लगा के रखती। आज लल्ला का पालना उत्सव हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यशोदा ने कोई कमी ना छोड़ी होगी। लल्ला को इतना अच्छे से सजाया होगा कि बस पूछो ही मत। यदि हम भी वहां होते तो अपने नेत्रों से देख पाते उसे। कितना सुंदर लग रहा होगा उसके माथे का मोर मुकुट, जैसे उसकी सुंदरता में चार चंद्र लगा देते हैं, और उसके नेत्र मानो कमल के फूल, शांत धीर गंभीर। किंतु नटखटपन से भरे हुए, और रंग की तो आप पूछो ही मत। ऐसा लगता है जैसे दोपहर की कड़ी धूप के बाद शाम की शीतल मंद मंद बयार चल रही हो। आज जब लल्ला पालना उत्सव में सच सवर कर आए हो ना, तो सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आज जब लल्ला पालना उत्सव में सच सवर कर आए हो ना, तो सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। लो भाई, मेरा लल्ला तो सज धज के आ गो है। अब तुम सब बताओ, इसका पालना सजो की ना? बिल्कुल तैयार है यशोदा जी। देखो लल्ला के उपयोग के लिए कितना प्यार कुल है। चल लल्ला आराम से। अद्भुत बात तो ये है कि आप ही की तरह यशोदा भी उसकी बहुत चिंता करती है। आज पालना उत्सव में भी तरह तरह के प्रश्न करेगी। जब तक सब कुछ जांच परख ना ले, तब तक वो लल्ला को पालने में ना लिटाएगी। तो भाभी, कैसा लगो पालना? लल्ला का है पालना, ये ही बताएगो। कैसा लगो? लो जीजी, लल्ला ने तो हाँ कर दी। तो पाला उसब आराम करें। रुको, पहले मुझे देख तो लेने दो, पालना ठीक तो है ना? है तो सुंदर, किंतु सुरक्षित भी तो होना चाहिए। जे फूल जे आज के ही है ना, कीट पतंगे तो ना लगी इनमें? ना भाभी, आज सवेरे ही मैंने और जानकी ने स्वयं तोड़े हैं, फिर उन्हें धोया, तब जाके सजाया है इसे। और जे मोर पंख, इनकी नुकीली सिरे भीतर की ओर तो ना है? मेरा लल्ला को चुभ गई तो? बाहर की ओर ही है जीजी, मैंने स्वयं लगाए हैं। और जे गद्दा और उनके वस्त्र सब कोमल है ना? हाँ 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 जी जी, आपके सारे निर्देशों का ध्यान रखो है हमने।
अच्छा अच्छा, और जे पालना जे सुरक्षित तो है ना, भार उठा लेगो ना मेरे लल्ला का। जे क्या कर रही हो सब? अरे मैं मैया हूँ, सदैव सावधान रहनो चाहिए। हाँ नहीं तो हृदय प्रसन्न हो गया भैया ये सब जानकर, बहुत प्रसन्नता हुई। भैया रोहिणी दीदी कैसी है, उनका पुत्र स्वस्थ तो है ना? हाँ भाई नंद, रोहिणी कैसी है? सब कुशल मंगल है, मेरी भाभी और भतीजा दोनों आपको बहुत स्मरण करते, आपकी प्रतीक्षा कर रहे। नंद भाई मेरी ओर से क्षमा मांगिएगा अपनी भाभी से, उनसे कहना मैंने जो कुछ भी किया उन्हें कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए किया। वो समझती आपकी परिस्थिति का आभास है उन्हें। नो, मैं तो भूल ही गई, भाभी ने आपके लिए पेड़े और बिटिया के लिए वस्त्र भेजे। बिटिया कहाँ है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? आकाशवाणी में मेरे आठवें पुत्र का उल्लेख था, पर उसने मेरी गोद से मेरी पुत्री को छीन लिया और तो फिर नारायण के अवतार वो कहां गए? वो नारायण की लीला वही जाने, किंतु अब तक अवतार की मृत्यु ना कर पाने के कारण कंस क्रोध में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसने उतना नाम की अत्यंत भयानक राक्षसी को उन सभी बालकों की हत्या करने का आदेश दिया है, जिनका जन्म पिछले 10 दिनों में हुआ। भाई नंद, इसलिए आप सावधान रहिए। यदि उसे पता चला कि आपको पुत्र हुआ है, वो भी सात दिन पहले तो अनर्थ हो जाएगा। कब हुआ तुम्हारे पुत्र का जन्म? कितने समय पहले? बस 7 दिन का हो गया महाराज, हमारा लल्ला।